राजस्थान में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। लंबी कश्मकश के बाद बीजेपी ने आखिरकार गुरुवार देर रात उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिसमें राजसमंद से किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया गया है। वहीं सुजानगढ़ से पूर्व मंत्री खेमा राम मेघवाल को और पूर्व मंत्री रतनलाल जाट को सहाड़ा से टिकट दिया गया है। बताया जा रहा है कि राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी का नाम ही आगे चल रहा था। स्थानीय नेताओं ने भी दीप्ति के लिए टिकट की सिफारिश की थी, क्योंकि दीप्ति को टिकट देने से एक तरह से जनता की सहानुभूति मिलेगी। वहीं दूसरी ओर सुजानगढ़ में 55 साल के खेमा राम मेघवाल को टिकट भी पहले ही तय मानी जा रही थी। खेमा राम मेघवाल वसुंधरा राजे की सरकार में खनिज मंत्री रह चुके हैं। खेमा राम की सुजानगढ़ में अच्छी पकड़ है। हालांकि 2018 के चुनाव में मेघवाल को कांग्रेस के कद्दावर नेता और दिवंगत विधायक भंवरलाल ने पटकनी दी थी, लेकिन एक बार फिर मेघवाल पर पार्टी ने भरोसा जताया है। सहाड़ा से भी बीजेपी ने पूर्व मंत्री पर ही भरोसा जताया है। पूर्व मंत्री रतनलाल जाट को मैदान में उतारा गया है। रतनलाल 2 बार विधायक रह चुके हैं। रतनलाल जाट 73 साल के हैं और पार्टी ने इनके तजुर्बे और क्षेत्र में अच्छी पकड़ के चलते इन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। रतनलाल 1998 में भी सहाड़ा से बीजेपी की टिकट पर जीत हासिल कर चुके हैं और एक बार फिर उसी पार्टी और उसी सीट से फिर मैदान में उतर चुके हैं। ये तो थी बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। हालांकि खबरें आ रही है कि 28 और 29 तारीख को कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। वहीं 30 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है, जिसके चलते 29 तारीख से पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जरूरी है। बहरहाल दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों को लेकर लंबी माथापच्ची चली। बीजेपी ने लंबी खींचतान के बाद आखिर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं 30 अप्रैल को नामांकन पूरा होने के बाद चुनावी शोर और बढ़ जाएगा। दोनों ही पार्टी अभी से ही अपनी जीत का दावा कर रही हैं। 17 अप्रैल को तीनों विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कब तक की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।